ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय महाकाल मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे सनातनी परिवार के सभी सदस्यों का आज के इस एक और नए चलचित्र में। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाइए और साथ में भी बताइए कि आप कहां से मेरा साथ दे रहे हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में महागठबंधन की महारैली का आयोजन हुआ है। कुछ दीदी लोग हमारे साथ हैं। दीदी कहाँ चलेगा? नहीं मुझे नहीं पता, इनसे बात करिए। आप कहाँ से आए? नगर से। टीटी नगर से। तो यहाँ आने का मकसद क्या है? आने का मकसद मुझे नहीं पता। आए ऐसे वैसे मिलते हैं? अभी तक तो इस चीज का मुझे कुछ पता नहीं है। बताया था देंगे? बताया तो था कि लेकिन देंगे, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है इन लोगों का। राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाबाश बेटा। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। आपके लिए मुख्तार अंसारी। प्रिय मेरा बड़ा भाई। ये जैसे पता ही नहीं था। क्या कहेंगे? जो होना था हो गया, जो करना था योगी जी महाराज कर लिए। योगी जी ने किया? कौन किया है? मीठा पाजन किसने दिया दिलाया? क्या होना चाहिए फिर? होना क्या चाहिए? जो होना था हो गया, अब क्या होना चाहिए? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मुख्तार अंसारी कैसे थे, क्या थे। आज अगर आप दो शब्द उनके बारे में कहना चाहें उनके जनाजे के समय। हमारा प्रिया, अल्लाह उसको जन्नत हिदायत दे, पाक परवरदिगार आलम। पहली बार कितनी उम्र के थे जब मुख्तार अंसारी को देखे? हमारा बड़ा भाई है, उसको हमको क्या देखना है, हम लोग साथ में खेले हैं। कहते हैं कि वो क्राइम भी किया करते थे। जैसा देश वैसा भेष। डॉन किसने बनाया उसको? प्रिय मुलायम के थे। लोग गोली दूसरे को दूसरा मारे तो वो क्या बख्शेंगे? खाली मुख्तारे गोली मारते, ब्रजेश, अरुण सिंह, अरिजीत सिंह और उन लोगों के बारे में कोई मीडिया नहीं है। योगी और मुख्तार का शुरू से ही रहा है, कौन नहीं जानता है योगी और मुख्तार का क्या हिसाब किताब था। योगी जी के लिए कहना चाहेंगे? योगी जी महाराज भी बम बम रहे। आप तो कह रहे हैं कि आपके बड़े भाई के साथ बदला लिया, तो उनको कैसे बम बम कह रहे हैं? छोड़ो यार, बदला मारपीट लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। योगी जी बम बम रहे। मैं योगी जी का भी छोटा प्रिय हूँ, गोरखनाथ हमारी प्रिय योगी जी महाराज है। योगी जी को भी पसंद करते हैं, क्या है कारण? उनका कल्चर, उनका विचार, भावना प्रिय हमारे हैं। योगी जी महाराज हमारे प्रिय हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ मुख्तार के जनाजे पे आए हैं और कह रहे हैं योगी जी प्रिय हैं, कई सारे लोग बोल देंगे। क्यों उनका वो आप किसी एक दूसरा लड़ाई झगड़ा करे मारपीट वो समझे? एक दूसरा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हम उसमें तीसरे, हम क्या उन लोगों के बीच में? एक हम थर्ड क्लास के आदमी, आपसे बताया कि सब्जी का कारोबार। तेरी भी तो गैस निकली ना, फटी ना। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी देके मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है। आप दिल्ली से? हाँ। अच्छा, क्यों आई हैं? क्या कुछ मांगे हैं आज आप लोगों की? नहीं, हमें तो कोई नेता लेके आया है। किस पार्टी से हैं? हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं जानते भाई, ये मैं कहीं। हमें तो मेरा नाम राज वर्मा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जी मैं सोनिया बिहार से आया हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं रामलीला मैदान? क्या कुछ वजह है? आप युवा हो, आप यहाँ पर आए? दरअसल हमारे जो मतलब इवेंट के जो हैंगे, उनने हमें ये कहा था कि आपको इधर आना आएगा, बस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना आएगा, दैट्स इट। और अब घर पे आए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसके खिलाफ रैली हो रही है? रैली इनके खिलाफ नहीं है, बट उनने हमें ये सजेस्ट किया था कि केजरीवाल की रैली, केजरीवाल सर की रैली है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है बस। तो मतलब कुछ पैसे पैसे भी दिए गए? मे भी पैसे वगैरह मिलेंगे शायद। कितना? फिर भी अराउंड 300। इवेंट करते हैं सर? इवेंट ही कह सकते हैं एक तरह से। क्या सर, सर का इवेंट का काम? हाँ, लाइक रैली हो रही है, इसमें हमें बस भीड़ में दिखना है। और पता क्यों रैली हो रही है? हाँ बस यही होगा। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जो है पहले भी इसका नाम रोशन था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छिछोड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। क्या
आप मानते हैं कि इंडिया चांद पे भी गया है? देखिए बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मनसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। इसकी मौका हमारा पाकिस्तानी, उसके अंदर जो एक जज्बा ईमानी है, आप बड़ी बड़ी जंगे देखी है आपने, अगर वो उनके पास हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? चार जंगे कौन हारा? अबे टुच्चे भिखारी बताना। बात ये कि कुछ अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बंदा हार भी जाता है, कोई ऐसी बात हारा कौन है? पाकिस्तान हारा कि इंडिया हारा? पाकिस्तान पाकिस्तान। ये साले लंबी लंबी फेंकते थे और ये देखो ये इनकी हालत है भाई। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। बटन सूची और पढ़ने इसमें करावल ने लड़ता है कपिल मिश्रा है उसका बाबा से कपिल धामा तुम लोग फिलोसफी में अवल में लिख दिया इस बार चलेगी झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ, समझ में आता। मैं बार बार कह रहा था वो उसमें लिख दिया आपने सारे ऑटो के पीछे इस बार चलेगी झाड़ू। नहीं हो आंदोलन को लेके हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो, हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। अब इस लड़ाई को अंजाम तक चल माइक टेस्ट करा, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 3 किधर है? अरे यार तो बहुत ही सारे बदमाश है, आप लोग उधर देखो, चलो आपका एडिटिंग का काम है। अरे आप मैंने आप कान से मत देखो, आगे देखो, जो जोर से बोलना है ना। भूखा भी तो हूं मैं, पता चला पता चला भूखे पेट वैसे हो रहा है। अरे इसके बारे में बाहर मार्केट में लोगों को शक है कि हंसता भी होगा कि नहीं। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। मैंने वो चले अरे भाई हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है फुलके साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले। मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की भीड़। अरे देश में बढ़िया कौन सा रह रहा, जो निकम्मा होगा निकम्मे के पीछे जाएगा, बढ़िया होगा बढ़िया के पीछे जाएगा। अगर सपा की सरकार होती ना, मैं जो लाल किले में खड़ी होकर बोल रही ना, रात रात में हाईलाइट हो जाती के लड़की कौन है कहाँ से ऐसे उठाओ। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर संवेदना व्यक्त किया गया और कहा गया है कि योगी सरकार इस्तीफा दे। सबको पता है मुख्तार अंसारी कैसा था और सबको पता समाजवादी पार्टी कैसी है। निकम्मों का जिकट्ठा क्यों खुद निकम्मे बढ़ रहे, ऐसा तो निकम्मों का खत्म ही करो। मनीष मैंने सुना है अपने गठबंधन की कोई महारैली हुई है। हाँ हुई है ना सर, मेरे पास तो वीडियो भी आ गई। वीडियो दिखा, मेरे जगह मेरी पत्नी पक्का झंडे गाड़ के आई होगी। हाँ जी, कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। झंडे गाड़ने को बोला था तो मुझे गाड़ने में लगी हुई है। अरे सर गलती हो गई होगी भाभी जी से। हाँ हमारे लीडर खड़गे जी की स्पीच चलाओ, वो एक ही है जो समझदारी वाली बात करते हैं। हाँ इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या मेरे जेल में आने के बाद राहुल के साथ ये सब हो गया? नहीं नहीं सर, ये राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। क्या ये कैसे गठबंधन है हमारा यार, इसको राजीव और राहुल में फर्क नहीं पता, इसको प्रधानमंत्री बनना है, मोदी को ऐसे रहेगा ये? भूल हो जाती है सर, महारैली थी ना। महारैली? अरे शहीदों की रैली बना रखी है, और यार मेरे को शहीद करके मानेंगे अपने जेल में ही ठीक है। किसी का नहीं होता, पानी बांटे, पानी बांटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं नहीं तो आप बोले ना कि बीजेपी से नहीं 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 पानी भेजा है, देखो दो लोग थे यार। पानी बांटने में दिक्कत नहीं हो रही है, पानी बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।
जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी है, देखिए आप बेशक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का विरोध करते हो, लेकिन कुछ चीजें तो हैं जिसने मोदी को मोदी बना दिया है। पैसा जहां धनबल होगा, जहां मीडिया तंत्र होगा, वहां तो ब्रांड बन ही जाता है, क्योंकि हमें भी मार्केटिंग पता है किस हिसाब से होती है। मोदी की अगर ताकत है अमित भाई, तो आप बताइए नीतीश कुमार के साथ फिर से इन्होंने गठबंधन कर लिया। आप कह रहे हैं कि भाजपा लगातार करप्ट लोगों को भर रही है, तो आप ही के अलायंस में लालू यादव जी हैं जो कि कन्विक्टेड करप्ट हैं, इसके बारे में आप क्या? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। लालू यादव भी आप ही के अलायंस में है। हमने उन सारे मंत्रियों की लिस्ट बनाई है कि अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो कौन कौन से मंत्री हैं, वो कौन कौन से मंत्री संसद मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, वो जेल जाएंगे या नहीं है नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, दो दो तीन तीन एफआईआर दर्ज होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब, शरद पवार, बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, बड़ी बड़ी ज्यादातर बोल रहे हैं, संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है, बेवकूफ बना रहे हैं। सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट बातचीत करेंगे। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 5 करोड़ में डीएलएफ ने दे दी, पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर सरकार बचाव करती है सारे देश के सामने खतरा महंगी होगी, और अगले चुनाव में ऐसी कांग्रेस पार्टी को और इसकी सहयोगी दलों को एक भी वोट नहीं मिला दिए, एक भी वोट। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है, और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है। गजब टूबी बाज आदमी। राहुल गांधी जी अपना जान दे, राहुल गांधी जी। ओए बुढ़े तेरे बगल मैं हूँ। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हैरान मत हो, मार दिया उसे, मार दिया उसे। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। घर पे जाओ, जहाँ भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा कि आपकी बार 400 पार। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भाइयों बहनों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, अपने भाई बंधुओं के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। I'm gonna go to the hospital.